देखिए मैं बीएल में एसोसिएट प्रो डॉक्टर बीएल में ना एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज है। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के, जिसके अंतर्गत स्विस संविधान की विशेषता यानी स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड का जो वर्तमान संविधान है ये 1998 में निर्मित, और इस संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। जो वर्तमान स्विट्जरलैंड का जो संविधान है इसके अंतर्गत जो एक तरह से हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह स्विस संविधान के अंतर्गत जो इस स्विस संविधान के अंतर्गत स्विस संविधान के द्वारा शासन के तीनों अंग व्यवस्थापिका संघीय संसद के निश्चित रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई। स्विस संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि जहां तक जनता के तथा कैंटनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता राज्य मंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद करे। दो सदन हैं इसके, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, और इन दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये स्विट्जरलैंड के संविधान की कार्यपालिका तथा संघीय न्यायपालिका को इसके अधीन किया गया है, परंतु संघीय संसद ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभु संपन्न संस्था नहीं है। यानी जिस प्रकार ब्रिटिश संसद सर्वोच्च सत्ता नहीं थे उसमें, उस प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान में ये चीज़ें हैं। संघात्मक व्यवस्था और कठोर संविधान के कारण इसकी शक्ति सीमित हो गई। स्विस संविधान में एक और शक्ति प्रदान की गई है, लोक निर्णय और आरंभक की जो व्यवस्था की गई है उसके कारण कानून निर्माण और संवैधानिक संशोधन के संबंध में अंतिम शक्ति जनता को प्राप्त। यानी कि ये संविधान देखिए, जो पूर्व में जो संविधान निर्माण हुआ था 1848 में निर्मित हुआ, उसके बाद में 1998 में स्विट्जरलैंड का संविधान का निर्माण हुआ, और 18 अप्रैल 1999 से ये संविधान लागू हुआ। इस संविधान के अंतर्गत सरकार के तीन अंग हैं, संघीय संसद, संघीय सरकार और संघीय न्यायाधीश। और इसके अंतर्गत संघीय संसद के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा यानी हाउस और रिप्रेजेंटेटिव, इसके जो सदस्यों की संख्या है वो 200 है, और प्रत्येक कैंटन का कम से कम एक प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभा में अवश्य होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे बर्न से 12 हैं, 32 हैं, ज्यूरिस से 31 हैं सदस्य हैं, इसका कार्यकाल 4 वर्ष का है। और सीनेट के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 46 है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में 5 कैंटन और वाल्डन निडवाल्डन स्पेशल सिटी स्पेशल लैंड और स्पेशल आउजर, यानी यहाँ से एक प्रतिनिधि और शेष पूर्ण कैंटनों से दो प्रकार की, एक अर्ध कैंटन और एक 5 अर्ध कैंटन, तो कुल मिलाकर 23 यानी 18 और एक। तो ये है स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो प्रतिनिधि सभा और जो सीनेट के सदस्यों की जो संख्या है वो अलग अलग है। प्रतिनिधि सीनेट के सदस्यों में से पूर्ण जो पूर्ण कैंटन है उनसे 2 सदस्य और अर्ध कैंटन से 1 सदस्य चुना जाता है। ये स्विट्जरलैंड की एक विशेषता है, यानी यहाँ हम लोग ये चर्चा करें। इसके जो अनुच्छेद 160 से 173 में संघीय संसद के अधिकारों की और शक्तियों की चर्चा की गई है, और इसमें जिसकी संयुक्त बैठक अनुच्छेद 157 के जिसके संयुक्त सदन की बैठक व्यवस्था की गई है। तो स्विट्जरलैंड जो संघीय सरकार है, जो कार्यकाल है इसका स्विट्जरलैंड की, तो उसकी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं स्विट्जरलैंड संविधान की विशेषता है कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है 1998 में, जो वर्तमान संविधान है 1998 में निर्मित है, और इस संविधान के अंतर्गत 195 धाराएं और 4 अधिकार, ये व्यापक संविधान है। जिस तरह भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, हालांकि अमेरिका के संविधान बहुत बड़ा संविधान। दूसरा एक कठोर संविधान, स्विट्जरलैंड के संविधान बहुत कठोर संविधान है। यहाँ की संघीय संसद के दोनों सदन यानी प्रतिनिधि सभा
और सीनेट में दो तिहाई बहुमत बनने के बाद में भी लोक निर्णय और आरंभक के द्वारा जनता की सहमति के बाद ही संविधान में संशोधन होता है। यानी लोक निर्णय और आरंभ की जो संविधान द्वारा हम जनता को जो शक्तियाँ प्रदान की गई, तो स्विट्जरलैंड के संविधान में परिवर्तन करना इतना ईजी नहीं है। 1848 में प्राचीनतम गणराज्य में स्विट्जरलैंड में जो संघीय सरकार है उसका जो प्रधान है राष्ट्रपति का पद, वो बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्विस संविधान में एक तरह से प्राचीनतम गणराज्य की भी एक विशेषता है। अगला पॉइंट है संघात्मक शासन व्यवस्था, कि स्विट्जरलैंड में इसकी जो सदस्यों की संख्या वो एक तरह से इसमें 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन और हर कैंटन से 20 में से जो 23 अर्ध कैंटन है, कैंटन का मतलब राज्य स्विट्जरलैंड के संविधान में। पूर्ण कैंटन से सीनेट में 2 सदस्य चुने जाते हैं और अर्ध कैंटन से 1, यानी यहाँ 23 अर्ध कैंटन है, 23 कैंटन कह सकते हैं हम लोग, तो इससे सीनेट के सदस्यों की संख्या 46 है। उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान, यानी एक व्यक्तिवादी और उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान है, जिसमें व्यक्ति विशेष को महत्व दिया, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई, व्यक्तियों के अधिकारों में राज्य द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन के रूप में काम करता है। तो ये एक तरह से व्यक्तिवादी या उदारवादी विचारधारा के आधार पर निर्धारित संविधान है और इसी आधार पर इस संविधान की रचना की गई। इसके बाद में है कि संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक, ये नहीं तो यहाँ संस्थात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई और न ही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। यह दोनों शासन व्यवस्था, यानी नए हम लोग ये कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड और भारत की तरह संस्थात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई और न ही हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के अध्यक्षात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई, यानी यहाँ दोनों का मिला जुला। वैसे कि जिस प्रकार इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित हैं और व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका के खिलाफ इन प्रधानमंत्री के पद से हटाया जा सकता है, उस प्रकार संपूर्ण शक्ति व्यवस्था यहाँ भी प्रस्तुति यह है कि जो स्विस संविधान के अंतर्गत जो संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित होती हैं, यानी कार्यपालिका व्यवस्था संसद की प्रतिनिधि है, और नहीं अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ही सरकार के जो तीनों अंग हैं वो अलग अलग नहीं है। यानी कि यहाँ जो संघीय सरकार के जो सदस्य हैं वो संघीय सदस्य संसद के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं, यानी कि प्रतिनिधि सभा और जो सीनेट के सदस्य हैं वो स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के आधार पर इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यानी संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का एक तरह से सम्मिश्रण रूप प्रदान किया गया है। बहुल कार्यपालिका, स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है जो संघीय सरकार है उसके 7 सदस्य होते हैं और इस 7 सदस्यों में यानी समान शक्ति और प्रति एक वर्ष बाद में हर सदस्य को सीनियरिटी के आधार पर परिवर्तनता के आधार पर उसको राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया है। यानी कि यहाँ बहुल कार्यपालिका विश्व में सोवियत संघ की प्रेसिडियम और स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका है, वरना विश्व की अधिकांश लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में एकल कार्यपालिका यानी कार्यपालिका की शक्ति, जैसे भारत में कार्यपालिका की शक्ति जो नाममात्र वो औपचारिक वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, अमेरिका में जो कार्यपालिका की शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित है, परंतु स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका की शक्ति है वो 7 सदस्यों की एक उसमें निहित होती है। तो यहाँ एक तरह से बहुल कार्यपालिका है न कि एकल कार्यपालिका। औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप से मूल अधिकार है, अनुच्छेद 7 में से 36 तक यहाँ मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। यह मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 7 से 36 तक, और इन मौलिक अधिकारों में एक तरह से व्यापक व्यवस्था की गई। धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी स्विट्जरलैंड की जो संविधान है अनुच्छेद 15 के, स्विट्जरलैंड एक बहुभाषी राज्य है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की गई, यानी यहाँ किसी भी धर्म के सभी धर्मों के लोग यहाँ निवास कर सकते हैं, यहाँ पे किसी एक विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ जर्मन भाषा भाषी भी, फारसी भाषा भाषी भी, फ्रेंच भाषा भाषी भी, यानी स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष राज्य अनुच्छेद 15 में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की गई। संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्व, जिस प्रकार अनुच्छेद
189 की धारा 4 के अनुसार स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका संघीय न्यायाधिकरण को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, जिस प्रकार भारत और अमेरिका की न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उस प्रकार स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका न्यायिक पुनर्वलोकन का अभाव है। बहुभाषी राज्य स्विट्जरलैंड में की जो विशेषता ये है कि यहाँ सभी भाषा भाषियों के, यहाँ जर्मन भाषा भाषी, फ्रेंच भाषा भाषी भी, यहाँ जर्मन, फ्रेंच और इटालियन और रोमन भाषा का विशेष महत्व है। यहाँ बहुभाषी राज्य के आधार पर व्यवस्था की गई, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड एक बहुभाषी राज्य है। प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका, स्विट्जरलैंड की जो न्यायपालिका है वो प्रशासनिक आधार पर, जबकि हमारे और अमेरिका में जो न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जो उनको न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। पर स्विट्जरलैंड में, हमारे यहाँ देखिए, अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और भारत की संविधात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को पूर्ण रूप से निष्पक्ष और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु स्विस संविधान में ये चीज़ें प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र। देखिए, जहाँ कहीं भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है वहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना की। स्विट्जरलैंड विश्व का पहला देश है जहाँ वहाँ के 5 अर्ध कैंटोनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं शासन कार्य में, जनता भी शासन कार्य में भाग ले सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र की भी स्थापना की गई है। तो ये था स्विट्जरलैंड, आज के हमारा टॉपिक था स्विस संविधान की विशेषता, बाकी चर्चा।